तो मैं हूँ अभिषेक साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। राजू श्रीवास्तव पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर हर रोज नई अपडेट सामने आती रहती है। मिली जानकारी के मुताबिक सीनियर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में न्यूरो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वेंटिलेटर पर रखा है। फिलहाल हालत में कोई सुधार नहीं दर्ज किया गया। डॉक्टरों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ब्रेन डेड की खबरों से डॉक्टरों ने इनकार किया है। इलाज के लिए अगले 24 घंटे का वक्त काफी अहम बताया जा रहा है। वहीं इस बीच ये खबरें भी चल रही हैं कि राजू श्रीवास्तव के इलाज के लिए कोलकाता के डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव को दिल्ली बुलाया गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव एम्स की ही न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, जो किसी काम के लिए कोलकाता गई हुई थी। उनके जान के बाद राजू श्रीवास्तव की हालत में बिगड़ी और जिसके बाद उन्हें परसों दिल्ली वापस बुला लिया गया। राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैंस और करीबी लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं बीते दिन कॉमेडियन का हालचाल जानने के लिए जॉनी लीवर नरेंद्र बेदी एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजू के परिजनों से मुलाकात की और उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की। दूसरी ओर बीते दिनों कॉमेडियन के ब्रेन डेड होने की खबरें सामने आई जिससे एम्स के डॉक्टरों ने इनकार किया। हालांकि इस बारे में राजू के मैनेजर ने भी बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि उनका ब्रेन डेड नहीं है। फिलहाल राजू से मिलने के लिए डॉक्टरों ने सभी को मना कर दिया है। उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। बता दें कि इन्फेक्शन के डर से डॉक्टरों ने सबको उनसे मिलने के लिए मना कर दिया है। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।